श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपकी कोई प्रशासनिक समस्या है या मुकदमा कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी है जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या घर परिवार या जीवन में बहुत कष्ट, बीमारी या अन्य कोई व्याधि आ गई हो, तो इसके लिए बेलपत्री पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करने के बाद काली तिल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और एक लोटा जल चढ़ा दीजिए और भगवान से अपनी समस्या, जो भी प्रशासनिक या मुकदमा कोर्ट कचहरी में हो या जो भी पारिवारिक समस्या व्याधि आपके घर में हो, उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव जी की कृपा से आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। यह उपाय आपको कम से कम 3 शिवरात्रि अवश्य करें। यह उपाय भी आप सुबह या शाम प्रदोष काल में कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन पूजन समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग को निर्माल्य सहित किसी जलाशय या तालाब में विसर्जित कर दीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूजन के बाद उसी समय पार्थिव शिवलिंग सभी पूजन सामग्री सहित विसर्जित कर देना है। आपसे पुनः निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।